हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आपका फेवरेट चैनल लाइफ इज गुड विद अनुराधा वशिष्ठ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक यमी रेसिपी फॉर सूप। जिनको पालक या टमाटो नहीं सूट करता है उनके लिए ये वेजिटेबल क्रीमी सूप। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है घिया या लौकी या बॉटल गॉर्ड, मैंने लिया है कद्दू, लाल कद्दू जिसको पम्पकिन कहते हैं, और मैंने लिया है पपीता या पपाया, रॉ पपाया, एंड कैरेट या गाजर। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो डायबिटिक है, जिनको दूसरे वेजिटेबल सूट नहीं करता है। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को थोड़ा सा गर्म होते ही इसमें 1 स्पून घी मैं डाल रही हूँ, ठीक है। 1 स्पून घी डाल के इसमें मैं डालूँगी ज़रा सा जीरा, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। जिनको गार्लिक एंड अनियन घर में पसंद है और जो खाते हैं आप इसी स्टेज में वो भी डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला है। अब इसको हम लोग सॉटे करेंगे, हल्का से बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसको कुक करेंगे ताकि कुछ भी चीज़ जले नहीं। इसमें मैंने ज़रा सा नमक ऐड कर दिया है ऊपर से, फिर मैं डालूँगी पानी। जितना सूप बनाएंगे उतना पानी, उस हिसाब से मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है क्योंकि मैं एक आदमी के लिए बना रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फ्लेम को फुल कर दीजिए और बॉयल करिए। बॉयल करते ही इसका जो लिड है, इसका जो ढक्कन है, उसको बंद कर दीजिए और इसको प्रेशर कुक कीजिए करीबन 3 सीटीज या 3 विसल्स। जब तक ये प्रेशर कुक हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। अब दूसरी तरफ मैं इसका जो ऊपर का गार्निशिंग है उसका तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक ब्रेड लिया है, अब इसको मैं स्क्वायर काट लूँगी जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। और अभी इसको फ्राई करेंगे, तो मैंने लिया है थोड़ा सा तेल और मैंने इसमें सारे जो ब्रेड के टुकड़े हैं वो मैं डाल के इसको फ्राई करूँगी ताकि ये ब्रेड क्रूटॉन्स में बना सकूँ जो मैं गार्निशिंग के लिए सूप के ऊपर मैं डालूँगी। इन द मीन वाइल ये प्रेशर कुकिंग हो चुका है और मैं इसको खोल के देख रही हूँ। अब मैं हल्का सा तेल में मैं ज़रा सा ऑरिगैनो सेक रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा पार्सली भी डाल दी हूँ। बहुत हल्का से इसको सेकेंगे ताकि ये जले नहीं और ये सूप के अंदर डाल देंगे, जो वेजिटेबल सूप प्रेशर कुकर में, ठीक है। इसको हम लोग मिक्सी में चला के हैंड ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी क्या है, और फिर इसको स्ट्रेन करेंगे। ऑलराइट, स्ट्रेन करके आपका ये सूप रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, इसमें ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दीजिए, एंड बटर डाल के इसका देखिए कंसिस्टेंसी क्रीमी एंड वेरी बेनिफिशियल, बहुत न्यूट्रिशियस है ये स्पेसिफिकली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। एंड ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें बटर डाला है, मैं इस पर पेपर डाल रही हूँ, एंड ये लाजवाब सूप, इस माउथ वाटरिंग सूप, वेरी गुड फॉर पीपल हु वॉन्ट टू लूज वेट मे बी, और जो रिक्यूपरेट कर रहे हैं कोई डिजीज़ से, आप उनके लिए बना सकते हैं। मैंने ये ऊपर जो क्रूटॉन्स है वो डाल दी ब्रेड का, एंड योर सूप इज़ रेडी। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल बाई हिटिंग द बेल बटन। डोंट फॉरगेट टू गिव इन योर लाइक्स। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।